मेरा पहला गाना ही विवाद से चालू हुआ था, लहंगा लखनऊ से चला हुआ, आज तक चलते आ रहा है। चाहे वो भतीजा को मौसी जिंदाबाद हो, चाहे दो रुपया हो, चाहे बंगलिनिया हो, सब गाना दो दूसरे। विवाद तो हम लोग भैया का विवाद में हमारा लाने का वजह नहीं होता है, और विवाद नाम चेंज करके विवाद का सेट कर दिया जाए। भोजपुरी में कोई राइटर है तो हम फॉर्चुनर भी लिए, हम 3-4 गाड़ियां रखते हैं, हम गाड़ी के शौकीन है, ले रहा है हमारा गाना लेके हमारे गाने में नाम नहीं डाल रहा है तो हम बोलेंगे, बाकी लोग चुप हो जाते हैं, दब जाते हैं, हम बोल देते हैं कि नहीं। सोच है अखिलेश कश्यप, मुझे लगता है कि मेरे गाने जितने लोगों के साथ काम किए सबके जिंदगी में 100-100 मिलियन मेरे गाने, चाहे वो अरविंद, हमारी जो बराबरी नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि राइटर में अगर अखिलेश कश्यप ने राइटरों को तो बता ही दिया कम से कम, राइटर ने 100 मिलियन के गाने मेरे पेज बंद कर दिए, लोग मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, आज इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, मेरे ऑफिशियल चैनल के 8 लाख फॉलोअर्स थे। जो हमारा विरोध करते हैं वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। जानते हैं सबसे बड़ी क्या है, वो किसी को बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, वही इंसान को चुना लगा के चला जाता है, उनकी सबसे बड़ी बुराई किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। अरे छोड़िए ना बाबा, भाई है, आ गया ना मेरे पास सब कुछ। भैया को अगर सामने से जो गाली देता है, उनके सामने आ जाता है और उनका पैर छू लेता है तो उस सब कुछ माफ कर, साइड पे गाली दे रहे हैं चलेगा, लेकिन आप हम इस कैमरे में कैद हैं, अगर सामने मिल जाएंगे तो आपका जवाब दूसरे तरीके से दे देते हैं। नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरावाल और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरी अठराठन। दोस्तों आज हमारे बाजू में देख रहे हैं ये ऐसे शख्स हैं कि पहले होली में रंग चलतर लो, अभी कबूतर लो तरह। अखिलेश भी एका होगा बढ़िया बा, और सबके प्रणाम बा, जितना भी भोजपुरी अठन देखा था लोग कबूतर उड़ न्यूज माफिया इनको बोल दीजिए। रात के 1 बजे इंटरव्यू होता रहो जी, का कोनो खास प्रोग्राम का विशेष रहते नहीं? हम लोग स्पोर यू में आए हैं और यहाँ पे भैया का गाना 100 मिलियन के क्लब में शामिल होगा, तो दिन नहीं जाए नहीं जाए, कल भी आएगा नहीं जाए, लेकिन संजय भैया के आदेश रहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर भी आना है, तो भैया का आदेश हम लोग कैसे उल्लंघन करेंगे, आज आए हैं यहाँ पे। नया धमाका क्या होता है भाई? मेरा एक गाना आया है जो कि बहुत मार्केट में बज रहा है, झगड़ा 100 मिलियन, वो भी गाना मेरा क्रॉस किया है जो कि मेरे ही कंपनी संपूर्णा फिल्म, और अभी मेरा एक गाना आया है कजरा, तो कजरा गाने को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्यार मिल रहा है लोगों को, 4-5 दिन में वो 60-70 लाख व्यूज क्रॉस कर लिया, तो सब इन लोगों का प्यार आशीर्वाद है, वो गाने बज रहे हैं। लोग कब से जुड़े वाले खेसारी भैया से, पहले का गाना कौन लिख रहे? मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है जो सुनता होगा भोजपुरी वो कमेंट में बता देगा, मेरा पहला गाना ही विवाद से चालू हुआ था, लहंगा लखनऊ। उसके बाद 2018-19 में हमारा गाना अब वो आया था, उसके बाद जो हमने भैया के साथ काम किया और हिट का जो सिलसिला चला वो आज तक चलते आ रहा है, चाहे वो भतीजा को मौसी जिंदाबाद हो, चाहे दो रुपया हो, चाहे बंगलिनिया हो, सब गाना 2-2 से 3-3 से मिलियन पार है, झगड़ा होते बहुत सारा काम कर रहे हैं भैया के साथ, बहुत सारा गाने बज रहे हैं, हमेशा बजते हैं। कोई वो गाना 100 मिलियन पार होगा? कम से कम 25 से ज्यादा ही होगा। 25 लाख के चेकों में से खर्चा हुई नहीं? वो तो अभी नियम लगा है, पहले लगा होता तो अब से तो हम करोड़पति बन गए होते। अच्छा रू अभी भी कहने के पहले का गाना ही विवादित रहे जी। अखिलेश कश्यप भोजपुरी में एक ऐसा राइटर बन जिनका नाम के साथ विवाद जुड़ल था, का है? इसलिए कि हम अपने हक के लिए हमेशा लड़े हैं और हमेशा लड़ते हैं अपने हक के लिए। अब जो एक राइटर का इज्जत सम्मान मान मिलना चाहिए वो मुझे लगता है कि किसी राइटरों को नहीं मिल गया, मैं उसके लिए हमेशा लड़ता हूँ। एक होता है कि किसी के लिए हम समर्पित हैं, किसी के लिए किसी भी रिश्ते में रहें, ईमानदारी से रहें, और जिसके लिए रहते हैं उसके लिए जी जान से रहते हैं। मेरे कुछ चैनल वीडियो डालता हूँ उससे कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल आते हैं कि जब से आप जुड़े हैं खेसारी जी के साथ में तब से विवादों में पड़े रहते हैं खेसारी जी, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं, विवाद तो हम लोग भैया का विवाद में हमारा लाने का वजह नहीं होता है, और विवाद नाम चेंज करके विवाद का सेट कर दिया जाए अक्सर बोलते हैं लोग, लेकिन हम अपने हक के लिए बोलते हैं, और आज मुझे लगता है कि मेरे जैसे राइटरों को देख के ऐसे भोजपुरी में बहुत सारे राइटर हैं जिनका ये तो सपना हो गया कि मुझे भी अपने आप का एक बुजुर्ग बनाना चाहिए,
पहला बार भोजपुरी में कोई राइटर है तो हम फॉर्चुनर भी लिए। हम तीन चार गाड़ियां रखते हैं, हम गाड़ी के शौकीन हैं, अपने मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से शान से अपना गाना बजवाते हैं और जीते हैं। और राइटरों को ये बताते हैं कि आप लोग को भी ऐसे ही रहना चाहिए, अपने हक की भी लड़िए। अगर आप लोग हमारा गाना कोई ले रहा है, हमारा गाना लेके हमारे गाने में नाम नहीं डाल रहा है तो हम बोलेंगे, बाकी लोग चुप हो जाते हैं, दब जाते हैं। हम बोल देते हैं कि नहीं, हमारा गाना में नाम नहीं जाता है तो अपना गाना दूसरे से गवाएंगे। तो ऐसा का है बोला कि अखिलेश कश्यप के नाम आओ तो अपने गाना कहीं से उठा लो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरे जितने भी गाने आए हैं, जितने भी गाने बजे वो मेरे खुद के क्रिएशन है। और मेरे गाने सबसे ज्यादा बजेंगे तो मेरे दुश्मन सबसे ज्यादा होंगे। जब मैंने पत्रकारिता लाइन शुरुआत की थी, पहला दिन और पहला ही इंटरव्यू था लखनऊ पे विवाद हुआ था, रितेश जी सामने से खुल कर कहने का मतलब अखिलेश कश्यप जहाँ नाम घुसल तहाँ विवाद घुसल, वो लोगों की सोच है। अखिलेश कश्यप, मुझे लगता है कि मेरे गाने जितने लोगों के साथ काम किए सबके जिंदगी में 100-100 मिलियन के मेरे गाने हैं। चाहे वो अरविंद अकेला कलू जी हो, चाहे वो अंकुश राजा भाई हो, चाहे गुंजन भैया हो, सबको मैं 100-100 मिलियन 50-50 मिलियन के गाने दिया हूँ और मैं सबके साथ काम करता हूँ। तो मुझे अपने आप पे घमंड होता है, फक्र होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हाथ में ये गाना 100 मिलियन पार हो गया है, भैया की तरफ से गिफ्ट है कि नहीं? क्या सच्चाई बता दीजिए। नहीं, हम गोल्ड के शौकीन है, थोड़ा बहुत पहन लेते हैं, चैनल प्लास्टिक पहनते हैं, तो वो हमारा शौक है। हम अपने जिंदगी में इतने स्ट्रगल किए हैं, इतने गरीबी देखे हैं, तो हमको अच्छा लगता है अपने मेहनत की कमाई का पहनना। अखिलेश जी, लास्ट सवाल जी, जाते जाते उन्होंने का कहे के चाहे जी, रउरा नाम के आगे विवादित खेसारी जी के नाम खराब करते, अखिलेश कश्यप ब्राह्मण के नाम पे कलंक, बहुत सारा नाम हमारा भी अचानक याद रखे जी, साफ शब्द में का चुनौती दे? सबसे बड़ा चीज यही है कि हमारी जो बराबरी नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि राइटर में अगर अखिलेश कश्यप ने राइटरों को तो बता ही दिया कम से कम कि अगर इंसान कमजोर पड़ता है तो मैंने अपना कंपनी भी खुला और 4 महीने में 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, 100 मिलियन के गाने हैं, मेरे पेज बंद कर दिए लोग, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, आज इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, मेरे ऑफिशियल चैनल के 8 लाख फॉलोअर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि, और जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे प्यार चाहिए जनता से, पब्लिक हम लोग को सुनती है, पब्लिक का प्यार मिलता है, वो हमारे लिए। जो हमारा विरोध करते हैं वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। एक बार सवाल मन में आ गया जी, वो अपना खेसारी जी के साथ घूमने जी, सब कोई अच्छा ही पूछेगा, खेसारी जी में सबसे बुराई कर उनकी बुराई जानते हैं सबसे बड़ी क्या है, वो किसी को बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, वही इंसान उनको चुना लगा के चला जाता है, उनकी सबसे बड़ी बुराई यही। हम हमेशा बोलते हैं हम तो भैया, हम तो बहुत मिले उससे जी, उनकी बुराई ये है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करते हैं। वही 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 बात मैं बोल रहा हूँ, वो किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, अरे छोड़िए ना बाबा, भाई है, आ गया ना मेरे पास सब कुछ। भैया को अगर सामने से जुगाली देता है, उनके सामने आ जाता है और उनका पैर छू लेता है तो उस सब छूट माफ कर लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं होगा। हमको आप अगर सोशल साइट पे गाली दे रहे हैं चलेगा, लेकिन आप हम इस कैमरे में कैद हैं, अगर सामने मिल जाएंगे तो आपका जवाब दूसरे तरीके से दे देते। अच्छा, अभी का बात है, कुछ दिन पहले के बात था, 15-20 दिन पहले के बात था, लोग कहता कि टाइम लगेगा बनने में, का है खेसारी जी के नाम होता है टाइम लगेगा बनने में, का है? वो टाइम लगता है तभी तो टाइम लगता है गाने बजने में। वो तो एक अलग अलग सोच है, हम लोग 24 आवर टाइम में रहते हैं, हम लोग का टाइम ही मूड बनाने में टाइम नहीं लगता है, हम लोग का बना रहता है। 2 बजे रात को हम लोग गा देंगे, 4 बजे रात को गा के। मेरा झगड़ा गाना जो 100 मिलियन हुआ है वो गोरखपुर में भैया शूट कर रहे थे और आके शूट करके सो गए थे, हम 3 बजे गोरखपुर पहुंचे हैं पटना से, और जाकर उनको जगा के, ऐसा कोई नहीं होगा कि जो भैया को जगा के बोले कि भैया एक गाना गा दीजिए, हम गए 3 बजे बोले भैया एक गाना लाए और कल मुझे जाना भी है, तो आज गा देते भैया को बहुत अच्छा गाना, बोले कैसा गाना है, हम बोले बहुत अच्छा गाना बना के लाए भैया गाइए ना। 4 बजे हम लोग स्टूडियो गए हैं, 5 बजे तक गाना गवा गया था, शिल्पी आई, भैया शिल्पी को गवा के फिर 7 बजे डायरेक्ट सेट पर चले गए। तो हमको मेहनती आदमी और मेहनती लोगों के साथ काम करके अच्छा लगता है। चलिए, आपसे बहुत तीखे सवाल हुए, इसका आपने जवाब ने बहुत अच्छी तरीके से दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, मैं वापस इनसे संपर्क करने की कोशिश करूँ, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप समझ रहे हैं ना।